नमस्कार। दिन भर की ताजा तरीन खबरों को समेट कर आज आपके बीच परोसते हुए मैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव। हालांकि ये खबर हमारे देश भर के फैले तमाम पत्रकारों की मेहनत का एक फल है। इसमें आपका सहयोग निरंतर मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपकी सहयोग हमें देश के साथ आज विदेशों में भी डंका बजाने पर मजबूर है। तो कृपया कर हमारे चैनल को खबर देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आज देखिए आज की दिन भर की खबरें हमारे पत्रकारों के माध्यम से क्या आखिर आपके क्षेत्र में हो रहा है। इस पूरी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अभी आज जो 132वीं जयंती बाबा साहब का मनाया जा रहा संग्रह पंचायत में, वहीं पर मोहरम कमेटी द्वारा यह कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए कितना बड़ा ये बैनर पोस्टर लगाकर और इधर स्टॉल लगा करके ठंडा पानी और शरबत पिलाई जा रही है। और यहीं पर आइए जानकारी देते हैं कि इंतजामिया कमेटी द्वारा जो यह बाबा साहेब जयंती का समारोह रहा, जो शोभा यात्रा रहा, तो उनको पानी पिलाने का भी काम किए। तो आइए जानते हैं इसे। सर तो पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ। सबसे पहले हम तमाम ग्रामवासियों को आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर तहे दिल से एवं मुहर्रम मिलत इस्लामिया कमेटी के बैनर तक ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके ओर से पूरे अहले वतन के साथ साथ तमाम ग्रामीणों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस दिवस के अवसर पे एक मैसेज देना चाहते हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मैसेज है कि आप अपने बच्चे को अधिक से अधिक शिक्षा दें और पढ़ाएं। पढ़ेंगे बच्चे तो अपने हक जानेंगे और अपना हक वो लेंगे। शुक्रिया। और तमाम जनता ग्रामवासियों को बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर आप क्या कहेंगे? हम सबको फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहते हैं और बाबा साहब के बताए हुए कदमों पे हम और सभी लोगों को चलने का आह्वान करते हैं। यहीं पर मौजूद हैं इंतजामिया कमेटी के जो पंचायत अध्यक्ष हैं, जेएमएम पंचायत अध्यक्ष, इन्होंने भी यह कार्यक्रम में बहुत बड़ा भाग लिया। 300 जनता दल में आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रियाज। आज बाबा साहेब को जो जयंती मनाई जा रही है, किस तरह मनाई जा रही है और यह जयंती कैसा रहा? आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पे सबसे पहले हम पूरे ग्रामीण वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं और जिस तरह से पूरे हर्षोल्लास के साथ आज देखने को जो मिला, यह बहुत अच्छा लगा। और अगले बार हम चाहेंगे अपने तरफ से और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और काफी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।